कहिए कैसे हैं आप। वैल्यूएबल पर्सन कैसे बने, अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। देखिए, जहाँ तक वैल्यूएबल की बात है ना, हीरा तो ईश्वर ने हम सभी को बनाया है, पर चमकता वही है जो तराशने की हद तक गुजरे। जितना हम खुद को तराशेंगे ना, उतना ही लोग हमको तराशेंगे। समझ रहे हैं आप इस बात को? मतलब हमसे मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, हमारी राय लेना चाहेंगे, हमें अप्रिशिएट करेंगे, हमें रिकमेंड करेंगे, हमारे बारे में पॉजिटिव बात करेंगे। वो इसलिए क्योंकि उनकी नज़रों में हम वैल्यूएबल हैं। अब बात ये आती है कि कैसे करें हम, अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, वैल्यूएबल बने तो कैसे बने, और इस बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ 7 बातें। सबसे पहली और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि हमें खुद में बदलाव लाना है और पूरी कमिटमेंट के साथ लाना है। मतलब मन में ये बात रखनी है कि मैंने खुद को इम्प्रूव करना है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट होती है ना, सेल्फ डेवलपमेंट, मतलब अपनी जो पर्सनल ग्रोथ है ना, इस पर पूरा ध्यान देना है। लगातार सीखना है, लगातार सीखना है, और ये एंश्योर करना है कि मेरा जो अगला कदम है ना, वो पिछले कदम से बेहतर हो। इतनी सी ख्वाहिश है तुझसे ये जिंदगी कि मेरा अगला कदम पिछले कदम से बेहतर। फोकस तो देखिए ऐसे रखना है कि जिस दिन से चले हैं मंजिल पर नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और इसमें ये जो जब हम ये कर रहे हैं, खुद में चेंजेस ला रहे हैं, खुद में बदलाव ला रहे हैं, फोकस्ड हैं, लगातार काम कर रहे हैं, अपना टाइम, अपनी एनर्जी बिल्कुल वेस्ट नहीं करनी इधर उधर फालतू की बातों में। फोकस्ड रहना है, कहने का मतलब ये है। जब हम सोच रहे हैं कि हमने खुद में बदलाव लाना है, तो लाना ही है। मतलब ये सबसे पहला और सबसे अहम स्टेप है ये, अगर हम इस फील्ड में आना चाहते हैं, हम वैल्यूएबल बनना चाहते हैं। तो अब आती है दूसरी बात। वैल्यूएबल बनना है ना, तो अपनी स्किल्स को शार्प करना पड़ेगा। अपनी स्किल्स को शार्प भी, जो हम में खास बात है, हमारा जो प्लस पॉइंट है, हमारी जो एबिलिटी है, हमारी जो स्ट्रेंथ है, उस पर काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा और उसको बाहर लाना पड़ेगा। अब बहुतों के मन में ये आ रहा होगा कि हम में क्या स्किल है, हम में क्या खास बात है, हम में तो कोई नहीं है। देखिए, गॉड गिफ्ट तो सभी है। जरूरत है उसको पहचानने की, पहचानने की, फिर उसको बाहर लाने की, फिर उसके ऊपर काम करने की, उसको निखारने की। हम बहुत बार ये सोचते हैं, अरे मैं तो काफी अकेला हूं, या मैं अकेला क्या कर सकता हूं। तो सूरज देखा है आपने, चांद देखा है आपने, अकेले कर रहे हैं ना वो काम। मतलब अपना ना नजरिया बदलने की जरूरत है। अभी काफी अकेला हूं, हम ये सोचते हैं अभी मैं तो काफी अकेला हूं, हम ये सोच बना लें कि अकेला ही काफी हूं। खुद पर विश्वास रखिए ना। ये चीज क्यों है ना मन में कि मेरे अंदर कोई स्किल नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं, है आप में। देखिए उसको, झांकिए खुद में। माना कि पीपल और बरगद जैसा विशाल नहीं हूं मैं, पर गमले में उगने वाली तुलसी भी किसी से कम होती है क्या? जरा सोच को ऐसा रखिए ना। तो काम कीजिए, जो भी, जिस चीज में भी आपका इंटरेस्ट है, जिस चीज में भी आपका इंटरेस्ट है, उस पर काम करना शुरू कीजिए और उसको खूब निखारिए, तराशिए और उसको दुनिया को भी दिखाइए। देखिए, वैल्यूएबल बनने के लिए ना कोई स्किल होनी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब हम में कोई स्किल होगी तो हम किसी को वो वैल्यू ऑफर कर सकते हैं, तभी तो हम वैल्यूएबल कहलाएंगे। भाई, हमारे अंदर कोई स्किल है, किसी को कुछ जानना है, किसी को कुछ पूछना है, हम उसको वो ऑफर कर रहे हैं, तो हम क्या बन गए? इनडायरेक्ट वे में वैल्यूएबल बन गए कि नहीं बन गए? तो जो हमारी स्किल है ना, उसको हमें लाना है बाहर, ठीक है? और बाहर लाना है, जैसे ये नहीं है कि हाँ, जैसे एक लड़की है मान लीजिए, और वो राइटिंग में, लिखने में बहुत अच्छी है, उसने तो 4-5 किताबें भी लिख रखी हैं, पर वो किसी को बताती नहीं है, किसी को पता ही नहीं। तो जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट पर बहुत ज़्यादा रहते हैं, जैसे मान लीजिए फेसबुक पर, ट्विटर पर, तो इसमें जैसे अपना प्रोफाइल लिखते हैं ना हम, तो वो लड़की उसमें ये लिखे कि भाई मैं राइटर हूँ और मैंने इतनी किताबें लिख रखी हैं। तो क्या होता है कि जैसे किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी को कोई गाइडेंस चाहिए, तो वो उसके पास, उस लड़की से तो जानकारी ले सकता है कि नहीं ले सकता? तो वो बताए कि ये इस तरह से करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, मैंने इस तरह से किया था, मैंने इस तरह से किताब लिखी थी, मैंने ऐसे लिखना शुरू किया था, ताकि दूसरे देखें, दूसरे सीखें उससे। पर ये है कि जब हम ये चीजें कर रहे हैं, जैसे हम किसी को गाइडेंस दे रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, तो बिल्कुल डाउन टू अर्थ, एकदम हम्बल रह के। ये नहीं है कि बहुत शो ऑफ करना, मैंने तो 5 किताबें लिख रखी हैं, मेरे तो लेख इस अखबार में छपे हैं, इस मैगजीन में छपे हैं। मतलब बहुत ज्यादा घमंड, बहुत ज्यादा अक्कड़, ये चीज नहीं होनी चाहिए ना, ये चीज नहीं।
आप बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहिए। देखिए, पेड़ चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो जाए ना, पर सलामत तभी तक है जब तक उसकी जड़ें जमीन से जुड़ी हुई हैं। तो जुड़े रहना है, मतलब ठीक है आप बहुत कामयाब हैं, आप बहुत मतलब नोन हैं, सब लोग आपको जानते हैं, पर आप अगर डाउन टू अर्थ रहेंगे ना, बहुत फर्क पड़ेगा। अगर अक्कड़ आ जाएगी, मैं क्या, या दूसरों का मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे, तुमने तुमने तो एक भी किताब नहीं लिखी, तुम्हारा तो कोई लेख ही नहीं छपा अभी तक, मतलब इस तरह से अगर वो लड़की बोले तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। हमने बनना है वैल्यूएबल, हमने ये काम नहीं करना, मतलब हमने बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहना है, कोई शो ऑफ नहीं करना। हाँ, पर अपनी स्किल्स के बारे में दूसरों को बताना जरूर है, इस तरह से नहीं बताना, हमने इसलिए बताना है ताकि उनकी कोई हेल्प हो सके, वो अगर इस फील्ड में काम करना चाहते हैं तो वो कर सके, हम उनको वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हैं, ये सोचना है। तो काम करना है अपनी स्किल पर और उसको लाना है बाहर, ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है। ठीक है, अब आती है तीसरी बात। हम जो वैल्यू दे रहे हैं ना किसी को, उसमें ना कोई सेल्फिश मोटिव नहीं होना चाहिए, मतलब इसलिए वैल्यू नहीं दे रहे हम कि भाई ये मेरा काम कर देगा, मैं इसका काम कर दूं, नहीं, बिल्कुल सेल्फलेस, निस्वार्थ भाव से होता है ना। देखिए, जीवन में कभी भी मौका मिले ना तो सारथी बनना चाहिए, स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। मतलब इसलिए हम किसी को वैल्यू नहीं दे रहे कि हमारा अपना स्वार्थ है, भी हमारा अपना मतलब निकल जाएगा, मैं इसका काम कर दूंगा, ये मेरा काम कर देगा, ये नहीं, बिल्कुल सेल्फलेसली। हाँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे किसी की हेल्प करना अच्छा लगता है, मैं इसलिए कर रहा हूं, मतलब इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है, ये सोच होनी चाहिए। कई बार हम दूसरों की अटेंशन अपनी तरफ लेने के लिए मतलब कुछ बन जाते हैं, मतलब जो एक्चुअल में है नहीं, तो ये चीज नहीं करनी है। आप समझ रहे हैं इस बात को? मतलब हम जो किसी के लिए काम कर रहे हैं ना, किसी को हमने दिखाना नहीं है, कोई शो ऑफ नहीं है, या लोगों की अटेंशन के लिए हम इस तरह का काम कर रहे हैं, नहीं, मुझे ये दिल से पसंद है, मैं ये करना चाहता हूँ, या मैं करना चाहती हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ। देखिए, जब हम सेल्फलेसली मतलब बिल्कुल निस्वार्थ भाव से किसी की हेल्प करते हैं ना, तो सामने वाले को जिसकी हम कर रहे हैं मदद, उसको तो फील गुड होता ही है, उसको अच्छा महसूस होता है, प्लस फिर हमें भी अच्छा महसूस होगा कि हमने कुछ किया है ना। फिर जो लोग हमें देख रहे हैं, चाहे तो वो उसके सर्कल के हैं, चाहे वो हमारे सर्कल के हैं, जो हमें देख रहे हैं, उनको भी फील गुड होगा, मतलब उनको भी अच्छा महसूस होगा, और वो ये सोचेंगे कि हम भी ऐसा करें। मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्स जाती है ना देख के, इसलिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी हम किसी की मदद कर रहे हैं ना, कोई सेल्फिश मोटिव नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर हमें अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जीना है। अब आती है चौथी बात, वैल्यूएबल बनने की ना एक रेसिपी और है भाई। जैसे कि जो हमें स्किल है वो तो है ही है ना, उसके अलावा और भी वैल्यू ऐड करनी है, और भी, मतलब ये जो और भी की मैं बात कर रही हूँ ना, ये स्किल के अलावा है और ये लिमिटलेस है, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई भी वैल्यू हम ऐड कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए सोशल इशू पे काम कर रहे हैं, जैसे एक लड़की है वो जैसे लड़कियों को पढ़ाने के ऊपर काम कर रही है, या स्वच्छता पे कर रही है काम, या ब्लड डोनेशन पे कर रही है काम, या एक आदमी है वो पेड़ लगाओ पौधे लगाओ मतलब इस पर काम कर रहा है, कितने लोग जुड़ेंगे हमसे, मतलब चाहे नोन भी हैं चाहे अननोन भी हैं, कोई जरूरतमंद है, किसी को कोई मदद चाहिए, हम कर सकते हैं ना मदद, अगर हम कैपेबल हैं हम मदद कर सकते हैं ना, हम उनके चेहरे पे स्माइल ला सकते हैं ना। अब जैसे बहुत गरीब एक बच्चा है, हम ये सोच रहे हैं कि चलो हम कैपेबल हैं, हम इसका एक साल की पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे, आ गई ना उसके चेहरे पे स्माइल कि देखो मेरी मदद कर रहे हैं। देखिए, जिंदगी बेहतर होती है जब हम मुस्कुराते हैं, लेकिन बेहतरीन होती है जब हमारी वजह से कोई मुस्कुराता है। और यकीन मानिए, जो लोग दूसरे के चेहरे पे स्माइल लाते हैं ना, ईश्वर उनके चेहरे से स्माइल कभी नहीं जाने देते, कभी भी नहीं जाने देते। अब आती है पांचवी बात, वैल्यूएबल बनना है ना तो हमें कोई अपना पर्सनल ब्रांड तैयार करना पड़ेगा। पर्सनल ब्रांड मतलब कि हमारे अपने प्रिंसिपल्स हो, हमारी अपनी वैल्यूज हो, भाई हम उस नाम से जाने जाएं। जैसे कि एक आदमी है वो ना बहुत ऑनेस्ट है, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करता है और बहुत ऑनेस्ट है, मतलब उसके सामने एक रुपए का भी हेर फेर नहीं हो सकता, तो वो इस नाम से जाना जाता है। या एक लेडी है वो पंक्चुअल बहुत है, मतलब 9 बजे का मतलब पूरे 9 बजे वो वहां होती है, तो सब लोग उसको देखकर अपनी घड़ियां मिलाते हैं।
या एक आदमी है वो जो कहता है वो करके दिखाता है, मतलब जो उसकी करनी है वही कतनी है, तो लोग उसको याद करते हैं कि देखो अगर बात करो ना तो उन जैसा करो, उनकी करनी उनकी कथनी एक है, कोई फर्क नहीं है, वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो इस तरह से अपनी एक वैल्यू बनानी पड़ेगी, बहुत जरूरी है, और बहुत अच्छा भी लगेगा जब हमारी वैल्यू बनेगी इस तरह की। तो जरूरी क्या है, अपनी एक ब्रांड वैल्यू होनी ही चाहिए, यूएसपी बोलते हैं ना उसको, यूएसपी, ये चीज होनी चाहिए। अब आता है 6 पॉइंट, वैल्यूएबल अगर हमें बनना है ना तो हमें बनना होगा कॉन्फिडेंट। जैसे इमोशनली हमें स्टेबल बनना होगा, इमोशनली मतलब ये नहीं है कि एकदम से किसी की बातों में आ गए या एकदम से घबरा गए, ये क्या हुआ, ये कैसे होगा, रोने लग गए, टेंशन हो गई, मतलब इस तरह से नहीं, एकदम इमोशनली स्टेबल और मेंटली स्ट्रांग। पता है लाइफ में अप डाउन्स आएंगे, हम इसके लिए प्रिपेयर हैं, है ना, हम बिल्कुल तैयार हैं, मतलब हम घबरा नहीं रहे हैं, एकदम स्ट्रांगली उसका सामना करना है। ये नहीं है कि किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने कुछ कह दिया और हम बिल्कुल टूट गए, तो ये चीजें होनी चाहिए। हाँ अगर हम इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशली इंडिपेंडेंट है, फिर तो और भी अच्छी बात है। भाई किसी की मदद करनी है ना, पैसे के मामले में किसी की हेल्प करनी है, हमारे पास पैसे हैं नहीं, हम कभी उधर से मांग रहे हैं उधर से मांग रहे हैं, अगर हम फाइनेंशली इंडिपेंडेंट हो तो एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस आएगा ना, फिर हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही दे देंगे किसी को अगर जरूरत है तो। तो ये चीजें हैं, अगर फाइनेंशली इंडिपेंडेंट भी होंगे ना बहुत फर्क पड़ता है। तो अगर हमें वैल्यूएबल बनना है तो ये चीज कि हम एक तो कॉन्फिडेंट हो और अगर हम इंडिपेंडेंट होंगे तो भी बहुत फर्क पड़ेगा। अब आता है 7th पॉइंट, अगर हमें वैल्यूएबल बनना है ना तो जैसा हम खुद को देख रहे हैं ना दुनिया हमें वैसे ही देखेगी। भाई अगर मैं नेगेटिव सोच रख रही हूँ तो दुनिया भी यही सोचेगी कि देखो ये तो नेगेटिव है। मैं पॉजिटिव सोच रखती हूँ, मैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक करती हूँ, मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही खुद को, मुझ में कॉन्फिडेंस है, ये सोच होनी चाहिए, तो दुनिया भी उसी नजरिया से देखेगी। देखिए हम बहुत बार अंडर एस्टिमेट कर देते हैं ना खुद को, तो दुनिया भी यही सोचती है, हाँ हाँ ये तो क्या है, तो कुछ नहीं है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, मतलब खुद में पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है अपने से, कोई नेगेटिव बात नहीं, और बार बार यही कहना है कि मैं वैल्यूएबल हूं। हम तो इसके ऑपोजिट बोलते हैं ना, अरे मैं कहाँ वैल्यूएबल, मैं किसी को क्या कुछ दे सकता हूँ। नहीं, क्यों नहीं दे सकता, मैं दे सकता हूँ, बहुत चीजों में हम फर्स्ट रह सकते हैं, बहुत चीजों में, किसी की हेल्प करने में, किसी को माफ करने में, किसी के चेहरे पे स्माइल लाने में कर सकते हैं कि नहीं, फर्स्ट रह सकते हैं कि नहीं, बहुत चीजें हैं। हम पता है क्या, भाई हम अपनी जो हमारी सोच है ना हम वैसी बना लेते हैं, जबकि इसी सोच से तो बाहर निकलना है, हमें बनना है वैल्यूएबल। देखिए सफलता उन्हें नहीं मिलती जो पाने का प्रयास करते हैं, हाँ भाई पाने का प्रयास कर रहे हैं, सफलता उन्हें मिलती है जो पाने तक प्रयास करते हैं। तो तराशिए खुद को, जैसे मैं स्टार्टिंग में बात कर रही थी ना, हीरा हम सभी हैं, तो तराशिए खुद को इस कदर कि जो आपको पाने वाला है ना वो तो नाज करे और जो आपको छोड़ने वाला है ना वो अफसोस करे। वैसे आप बताएं आप क्या सोचते हैं, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें ये जो एक बेल का बटन है ना ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक